बिग बॉस के सबसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट और एक्टर राहुल महाजन अपनी तीसरी विदेशी पत्नी को भी तलाक देने जा रहे हैं। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल महाजन और नतालिया ने 4 साल तक शादीशुदा जिंदगी गुजारी है और अब दोनों ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी है। एक सूत्र ने बताया कि शुरुआत से ही दोनों के बीच कुछ इश्यूज थे, हालांकि उन्होंने अपनी शादी को जितना पॉसिबल था उतना खींचा। पिछले साल दोनों अलग हुए और चुपचाप बिना बताए तलाक की अर्जी दे दी। हमेशा विवादों में रहने वाले राहुल महाजन की पहली शादी श्वेता सिंह से हुई थी, जो सिर्फ 2 सालों तक चली। श्वेता ने राहुल पर मारपीट के आरोप लगाए। इसके बाद राहुल महाजन ने NDTV इमेजिन के टीवी शो राहुल दुल्हनिया ले जाएगा में डिम्पी गांगुली से शादी की, लेकिन डिम्पी से भी 5 साल में उनका तलाक हो गया। डिम्पी ने भी राहुल पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। इसके बाद राहुल ने कजाकिस्तान की मॉडल नतालिया से शादी की, जो उम्र में उनसे 18 साल छोटी हैं। लेकिन अब 5 साल बाद राहुल उनको भी तलाक देने जा रहे हैं। इस बारे में जब राहुल महाजन से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को निजी रखना चाहता हूं, मैं किसी भी चीज पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मेरी निजी जिंदगी में क्या हो रहा है इस पर मैं अपने दोस्तों से चर्चा नहीं करता हूं। एक सूत्र ने यह भी बताया कि राहुल तीसरे तलाक की वजह से काफी टूट गए हैं। पिछले दिनों उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, अब वो फिर से प्यार पाने की उम्मीद कर रहे हैं। सूत्र के इस खुलासे से लगता है कि राहुल अब चौथी बार शादी रचाएंगे। राहुल महाजन BJP के बड़े नेता प्रमोद महाजन के बेटे हैं। प्रमोद महाजन का महाराष्ट्र में बड़ा रुतबा था। उनके निधन के बाद राहुल महाजन शराब और ड्रग्स का सेवन करने लगे थे। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया था और फिर 2 लाख रुपए के मुचलके पर उन्हें जमानत दी थी। प्रमोद महाजन ने जो इज्जत और सम्मान कमाया, राहुल महाजन ने उसे गवा दिया। तीसरे तलाक के बाद अब राहुल चौथी बार शादी करने का मन बना रहे हैं। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।